अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम ईशोराज में पेमेंट वाउचर कैसे बनाया जाता है उसको सीखेंगे। इसके लिए वाउचर ट्रांजैक्शन में पेमेंट वाउचर में ऐड पर जाकर क्लिक करेंगे और क्रिएट पेमेंट वाउचर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें नेचर ऑफ पेमेंट, एक्सपेंडिचर, स्कीम नेम और उसके बाद अकाउंट हेड पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन सर्च में सिलेक्ट अकाउंट हेड करना है। उसके बाद मेजर हेड, माइनर हेड और ऑब्जेक्ट हेड सिलेक्ट करके अमाउंट एंटर करना है। उसके बाद वाउचर डेट, पर्टिकुलर्स में आप वर्क का नाम, बिल नंबर, मस्टरोल नंबर टाइप कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट में जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। मैंने आरटीजीएस सिलेक्ट किया है। उसके बाद बैंक अकाउंट, लेटर एडवाइस नंबर, आरटीजीएस नंबर वो आरटीजीएस की डेट और सबमिट पर क्लिक करना है। टू होम पेड में जिस भी आपको पेमेंट की है उनका नाम और डिटेल आएगी। और अमाउंट एंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका वाउचर एंट्री हो जाएगी। वाउचर को एक बार चेक करके आप सेव या फ्रीज कर सकते हैं।